राव साहब ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने बताई दिया कि देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एलजी जो है वो सिलेक्टेड है और दिल्ली की गवर्नमेंट इलेक्टेड है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो लोग हैं वो फैसले लेते हैं, ना कि सिलेक्टेड। तो दिल्ली का तो पहले से ही ये कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन फुल स्टेट्स को भी तंग किया जा रहा है। हमने पंजाब में 92 सीट्स जीती आउट ऑफ 117, इतना बड़ा मैंडेट है। हमें बजट सेशन बुलाना था मार्च में, हमें गवर्नर ने मना कर दिया, मैं परमिशन नहीं दूंगा बजट सेशन की। तो हम कहाँ जाएं? तो बजट सेशन के बिना मतलब स्टेट कैसे चलेगी? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया कि जी बजट सेशन होने दो। और उसके बाद एक और जो बात हुई कि जी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिखा जाता है प्राप्तियां गवर्नमेंट की कि हमने ये किया, वो कहता उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। हमने कहा जी आप ही तो सम्मन कर रहे हो विधानसभा, आप माई गवर्नमेंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कहते मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि जी माई गवर्नमेंट तो बोलना पड़ेगा इनको। तब जाके उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू रीड इट वर्ड बाई वर्ड, यू कैन नॉट चेंज, जैसे तमिलनाडु में कर लिया था, स्टालिन जी के पास जो उन्होंने लिख के दिया था वो और था, गवर्नर कुछ और बोल रहा था। तो मतलब ये हैरानी की हद ये है कि जो राज्य भवन है स्टेटों में वो बीजेपी के ऑफिस बन गए, और राज्यपाल जो है वो स्टार कंपेरियर बन गए बीजेपी के। तो इस गवर्नरी सिस्टम को उन्होंने मिसयूज किया है, हर जगह पे करते हैं। आपके बिल रोक रखे हैं स्टेट के, हमारे बिल रोक रखे हैं। वहां पे स्टालिन साहब का चिट्ठी आई थी हमें कि हमें सपोर्ट करो, हमारे बिल रोक रखे हैं। केरला में तंग कर रहे हैं, ममता दीदी उनको तंग कर रहे हैं। मतलब इन्होंने मन बना रखा है, जैसा कि अरविंद जी ने कहा अगर इलेक्शन से नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते, कि मतलब बंदे तोड़ो और बाई इलेक्शन करा लो और कर लो। तो ये बहुत फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत घातक है, और देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपना खून दिया, खून का कतरा कतरा देके हमें देश दिया, हमें आजादी लेके दी। लेकिन ऐसी आजादी के लिए आज उनकी आत्मा तड़पती होगी कि ऐसी आजादी के लिए तो उन्हें हमने कुर्बानी दी थी, जो जिस तरीके से देश को ये चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं और राज्यसभा में, और जब से शक्तियां छीनी हैं लोगों ने, 2020 में फिर चुन लिया आम आदमी पार्टी को। तो मतलब लोग लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं, डेमोक्रेसी है। तो उसके और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, तो ये बहुत ही गलत मैसेज है जो है। वैसे तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आपको कहलाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काम नहीं करने दे रहे। आज नीति आयोग की बैठक, देश भारत जो है एक माला है, और माला के जो मनके हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए मल्टी कल्चर कंट्री हमारा है, हर स्टेट की अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, और इसको बचाने के लिए हम आ जाए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुला के इज्जत तो दी। इससे पहले भी किसानों ने जो आंदोलन किया था, तो इन्होंने मुख्यमंत्री तेलंगाना आए चंडीगढ़ में, 700 से ज़्यादा इन्होंने जो शहीद हो गए थे किसान, उनको 2-2 लाख रुपए के चेक भी दे के आए हैं। तो हम लोग देश, पूरे देश को एक मानने वाले हैं, जहाँ अच्छा काम हो रहा हो वहाँ हम जाते हैं। मैं चेक डैम देख के गया था, दो दिन की मैं विजिट किया था, चेक डैम कैसे बने, हम भी अपना पानी जो है पंजाब का ग्राउंड लेवल बचाने के लिए, अच्छी चीज़ सीखने के लिए कहीं भी जाना पड़े जाएंगे। अपने देश को नंबर 1 बनाना है तो हमें इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा।